नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दीनानगर के अधीनस्थ बहराम पुलिस स्टेशन की पुलिस ने एक नौजवान को किया काबू। दो पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस की है बरामद। महलपुर के नजदीकी गांव कोट फतोही में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री में की रेड। 45 क्विंटल खोए के सैंपल लेकर किया सील। और अब हलचल विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र दीनानगर के अधीन आते पुलिस स्टेशन बहरामपुर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक नौजवान को अवैध हथियारों सहित काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी दीनानगर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एसएचओ बहरामपुर सरबजीत सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नौजवान इलाके में वैध पिस्तौल लेकर घूम रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गैस एजेंसी काठिया अली रोड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान पैदल आ रहे एक नौजवान को संदेह के आधार पर रोका गया। इस दौरान नौजवान पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो नौजवान के हाथ में पकड़े हुए लिफाफे की चेकिंग की तो उसमें से एक पिस्तौल 32 बोर, एक पिस्तौल 30 बोर और दो जिंदा रौंद बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को काबू कर दिया। आरोपी की पहचान गुरजिंदर सिंह निवासी सुल्तानी पुलिस स्टेशन दोरांगला के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामला इदा है जी, साढ़े मानयोग SSP साहब गुरदासपुर श्री हरजीत दयामा जी दिया योग दिशा निर्देशों के हेठ जगबीर चंद काउंटर इंटैलीजेंस साढ़े गुरदासपुर और स्पैशल ब्रांच की नाकाबंदी के दौरान AC जगबीर चंद को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि गुरजिंदर सिंह नाम का लड़का जो सुल्तानी पिंड का रहने वाला वो को नजायज वैपन है और नजायज वैपनों का फर्दर वेचण का और काम करता है और जेकर नाकाबंदी करके अरैसट किया जाए वो वैपन नजायज बरामद हो सकते हैं। जैसे कल टी पॉइंट जो HP गैस एजेंसी के नेड़े इन्होंने नाकाबंदी के दौरान गुरजिंदर सिंह काबू किया और कब्जे के दो वैपन जोड़े आ बरामद हुए हैं, एक 0.30 बोर और एक 0.32 बोर जो कंट्री मेड वैपन ने और पिस्टल ने जिन्हों को दो ड्रॉन भी जोड़े 32-30 बोर के बरामद हुए। सर इतने कोई पहला भी मामला दर्ज है नौजवान से? नहीं, थाने के रिकॉर्ड मुताबिक कोई पहला को मामला दर्ज नहीं है और यदि गांव फर्दर आप इंटरोगेशन कर रहे हैं कि ये साढ़े को अरैसट है और यदा रिमांड लैके फर्दर इंटरोगेशन करा और बैकग्राउंड का पता दिता जाएगा भी ये क्यों वैपन लैके आया सी, उन्होंने गांव फर्दर किनू देने से या यहाँ को वारदात करनी सी, अदरवाइज ये किधर को लैके आया उन्होंने भी असी ये पुछगिछ दौरान पता कर रहे हैं और उन्होंने भी इस मुकदमे में लेना। महलपुर के नजदीकी गांव कोट फतूही में एक मिठाई की दुकान की फैक्ट्री पर गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापेमारी की गई। इस दौरान फ्रीजर में रखे हुए 45 क्विंटल खोए को संदेह के आधार पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से सैंपल लेकर सील किया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जतेंद्र भाटिया ने बताया कि कोट फतूही इलाके में फगवाड़ा की तरफ से नकली पनीर और खोया बड़े स्तर पर सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, इसी के चलते मिठाइयां बनाने वाली फैक्ट्री में रेड की गई। इस मौके पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अभिनव खोसला, विवेक कुमार, ASI सुखविंदर सिंह, राम लुभाया, अरविंदर पाल सिंह, नरेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। फगवाड़ा साइड से जड़ा खोया वगैरह ये आ रहा है या दूध वगैरह भी सप्लाई हो रहा है और पूरे कंप्लेंट बेस से असी हर जगह जिते जिते सानू लगता डाउट मैनुफैक्चरिंग साइड से फैक्ट्री साइड से उत्थे असी FSO साहब जड़े है साढ़े नाल उन्होंने भेज रहे हैं। इनकेस जो सानू डाउट लगता है उत्थे दी क्वालिटी नहीं हैगी अच्छी या कोई अच्छी कंडीशन अनहाइजीनिक कंडीशन है उत्थे असी उन्होंने मतलब इंप्रूवमेंट का भी नोटिस देने हैं, लेकिन इन्नी क्वांटिटी जो अगर सानू मिलता है होया जिदा हम असी इतने एट प्रेजेंट आए हैं जी फैक्ट्री उसके सानू क्वांटिटी से डाउट होया आ असी जो मटीरियल भी देखे आया वो असी सैंपलिंग लिए भेज देव इनकेस जो सैंपलिंग ठीक आई तो ओबियसली असी उन्होंने मतलब रिलीज भी कर सकते हैं एट टिल डेट असी उन्होंने सीजर करवा। सर कितना है जी जड़ा ए नियर अबाउट 45 45
ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। जरूरतमंदों की मसीहा के तौर पर जाने जाते दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी और सरबत दा भलर चैरिटेबल ट्रस्ट के सरप्रस्त डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय के प्रयासों से होशियारपुर जिला के गांव तालुनी से संबंधित 36 वर्षीय जतेंद्र सिंह की मृतक देह दुबई से श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में पहुंचे संबंधी जानकारी देते हुए सरबत दा भलर चैरिटेबल ट्रस्ट के नेता सुखदीप सिंह संधु ने बताया कि दो मासूम बच्चों का पिता जतेंद्र सिंह भी दूसरे नौजवानों की तरह अपने अच्छे भविष्य का सपना लेकर कुछ समय पहले ही दुबई गया था और गत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जतेंद्र सिंह की लाश लावारिस हालत में मिलने पर भारतीय दूतावास की ओर से उनके साथ संपर्क करने के बाद उन्होंने सरबत दा भला ट्रस्ट की होशियारपुर इकाई के प्रधान आज्ञापाल सिंह के माध्यम से मृतक के परिवार के साथ संपर्क साधकर सारी जानकारी हासिल की, जिसके बाद दुबई स्थित टीम द्वारा जरूरी कागजी कार्रवाई कर भारतीय दूतावास के सहयोग से पूर्ण कर जतेंद्र सिंह की मृतक देह को भारत भिजवाया। उन्होंने बताया कि मृतक देह को भारत भेजने के लिए आईएफ द्वारा खर्च दुबई स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि जतेंद्र सिंह के मासूम बच्चों और पत्नी के लिए 2000 रुपये महीना पेंशन शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर मृतक के रिश्तेदारों ने सरबत दा भला ट्रस्ट के सरप्रस्त एसपी सिंह ओबराय का उनकी मदद करने पर भार व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मास्टर गुरदयाल सिंह, पिंड तुनली है जी। तो साडा अपना भतीजा जो कि दुबई गया हुआ सी, तो उसकी लाश लैण के लिए असी इत्थे अमृतसर एयरपोर्ट के उत्ते खड़े हाँ। तो साढ़े कोल ओबराय साहब जो दुबई दे विच हन, जो सेवा कर रहे हैं, डेड बॉडियां पंजाब नू मंगवा रहे हैं, तो उन्होंने नुमाइंदे भी साढ़े नाल इत्थे खड़े हैं, साढ़े कोल हैं। तो वो साढ़े नाल डेड बॉडी सानू दवा के फिर ही कहिंदे जाण जावांगे। तो जो जतेंद्र सिंह मित्रक है, उसकी पत्नी नू उन्होंने 2000 रुपया पर मंथ पेंशन का भी उपराला किया है। तो ये जो सारा खर्चा है डेड बॉडी नू लियाउण दा, ये ओबराय साहब दुबई वाले उही सारा कर रहे आ। तो असी इन्हां दा पिंड तनूली वाले सारे इन्हां दा बहुत बहुत तहि दिलों शुक्र गुजार हाँ, बहुत धन्यवाद करते हाँ। मेरा नाम सुखदीप सिद्धू आ, मैं सरबत दा भला ट्रस्ट का माझा जोन का सलाहकार हाँ। अज साडी टीम जिहड़ी इत्थे अमृतसर एयरपोर्ट ते आई आ कि होशियारपुर ज़िले के पिंड तलूनी दे एक 36 साल का नौजवान सी जतेंद्र सिंह, जिहड़े जिहदे पिता जी साडे नाल खड़े ने, इत्थे डेड बॉडी लैण आए ने। वो दुबई गया सी, जिवें बहुत सारे नौजवान जाते ने अपने परिवार नूं दी आर्थिक हालत ठीक करन वास्ते, उत्थे रुजगार वास्ते। उत्थे उहदी मौत हो गई, तो उहदी जिहड़ी लाश आ जदों मिली आ उत्थे, ते जिहड़ी उत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन है दुबई की, उन्होंने इंडियन अंबैसी नाल संपर्क किया। इंडियन अंबैसी ने ओबराय साहब नूं कहा, ओबराय साहब ने अपनी होशियारपुर की टीम जिहड़े साडे आगू ने सरदार आज्ञापाल सिंह, उन्होंने संपर्क करके परिवार नाल सारा तालमेल बिठा के उत्थों कागज़ पत्र तैयार करके अज डेड बॉडी जिहड़ी भेजी आ। इहदे विच जिहड़ा सारा डेड बॉडी भेजण दे विच खर्चा आ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰ ਅੱਜ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 372 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 373ਵੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇੱਕ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ੋਗਰਸਤ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਚਰੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਮੇਲੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਫਾਟਕ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਸਮਾਜ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗੋਂ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਸਦਸਯ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬੀ ਸਪੇਨ, ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਲਸਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੂ, ਹਰੀਸ਼, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਇਨ ਸਭੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਕੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਆ। ਵਹੀਂ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਸਦਸਯੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨੋਂ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਏਕਤਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋ ਬੜਾਵਾ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਮੇਂ ਸਥਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਸੇ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਲੰਗਰ ਕਾ ਆਨੰਦ ਦਿਆ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਸਦਸਯੋਂ ਔਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਨੇ ਸੋਢਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਕੇ ਮੇਲੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਟਰੱਸਟ ਏਵਂ ਚੱਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸੇ ਮੇਲੇ ਮੇਂ ਆਏ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਚੱਡਾ ਬੱਬੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਭਗਤ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਗਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਗਰ, ਫਰੰਟ ਕਲਪੁਨੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ ਦੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੰਜੇ ਚੱਡਾ, ਵਿੱਕੀ ਚੱਡਾ, ਅਤੁਲ ਚੱਡਾ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਅਨੇ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਕੇ ਮੇਲੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਟਰੱਸਟ ਏਵਂ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਲਯ ਮੇਂ ਮੇਲੇ ਮੇਂ ਆਏ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਚੱਡਾ ਬੱਬੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਢਲ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡੀ ਏਵਂ ਸੋਢਲ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਸੇਵਾਦਾਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚੱਡਾ, ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਸੰਜੇ ਚੱਡਾ, ਵਿੱਕੀ ਚੱਡਾ, ਅਤੁਲ ਚੱਡਾ, ਮੋਂਟੂ ਚੱਡਾ, ਕਾਲਾ ਚੱਡਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਸਹਿਤ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੇ ਸਭੀ ਸਦੱਸਯਗਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਟਰੱਸਟ ਏਵਂ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭਵਿਯ ਲੰਗਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚੱਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਚੱਡਾ ਬੱਬੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੇਲੇ ਮੇਂ ਆਏ ਭਕਤੋਂ ਮੇਂ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੰਜੇ ਚੱਡਾ, ਅਤੁਲ ਚੱਡਾ, ਬਾਬਾ ਸਹਿਤ ਅਨੇ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। और अब अंत
में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। दीनानगर के अधीन नाते बहराम पुलिस स्टेशन के पुलिस ने एक नौजवान को किया काबू, 2 पिस्तौल 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। महलपुर के नजदीकी गांव कोट फतोही में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री में की रेड, 45 क्विंटल खोए के सैंपल लेकर किया सील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। We'll be right back.